फर्स्ट ऐप जो कि आज की लिस्ट में है वो है एलूर वेलपेपर्स। ये काफ़ी अच्छी ऐप है, इसमें आपको अलग अलग इमेजेस मिल जाती हैं और जैसे ही मैं किसी भी एक वॉलपेपर पर क्लिक करता हूँ तो मुझे उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, साथ में मुझे तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि हैं सेट, डाउनलोड और शेयर। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर थ्री डॉगल बटन पर क्लिक करूँ तो मैंने क्लासीफाई कर सकता हूँ ओल्डेस्ट, न्यूएस्ट और पॉपुलर की कैटेगरी में, जो कि काफ़ी सिंपल है। कैटेगरीज में जाएँ तो हमें वही नॉर्मल पांच कैटेगरीज मिल जाती हैं जिसमें है बिल्डिंग, फूड एंड ऑब्जेक्ट्स, टेक्नोलॉजी, पीपल एंड ड्रिंक्स। इस ऐप की एक खास बात जो कि है इसका अर्थ व्यू, इसमें आपको अलग अलग फोटोग्राफ्स मिल जाती हैं जो कि कैप्चर्ड की गई हैं सैटेलाइट से। इसमें आपको अलग अलग सिटीज़ के मैप्स मिल जाते हैं जो कि इस ऐप को यूनिक बनाते हैं, क्योंकि ये फीचर किसी और ऐप में आपको नहीं मिलेगा। काफ़ी अच्छा फीचर है, इसमें आप क्लासीफाई कर सकते हैं इन वॉलपेपर्स को, अलग अलग सिटीज़ के आपको इसमें वॉलपेपर्स मिल जाएंगे, उनका मैप मिल जाएगा और आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐप की ओर। सेकेंड ऐप जो कि आज के लिस्ट में है वो है डार्क टॉप्स। नाम से ही हमें समझ में आता है कि इसमें हमें मिलेंगे डार्क वॉलपेपर्स और साथ में इस ऐप में हमें काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है डार्क कलर्स के साथ। अगर हम देखें तो इसमें हैं लार्जली फोर कैटेगरीज़ में यह ऐप डिवाइड की गई है जिसमें काफ़ी सारी अलग अलग सब कैटेगरीज़ हैं। अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँ तो हमें काफ़ी सारे नए नए वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं और जैसे ही आप किसी भी एक कैटेगरी पर क्लिक करते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे वॉलपेपर लोड भी हो जाते हैं। जैसे ही मैं किसी भी एक वॉलपेपर पर क्लिक करता हूँ काफ़ी सारी हमें ऐसे वॉलपेपर के बारे में डिटेल मिल जाती है, जैसे कि ये किस दिन रिलीज़ हुई थी, साइज़ क्या है इस वॉलपेपर का और कितने यूज़र्स ने इसे डाउनलोड किया है। साथ में आप इसे एक ही क्लिक में सेट भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस ऐप का एक और स्पेशल फीचर ये है, इसमें आपको एक मिलती है टॉप 10 लिस्ट जिसमें आपको मिलेंगे टॉप 10 वॉलपेपर्स जो कि अच्छे लगे हैं अलग अलग डार्क टॉप्स के ऐप के यूज़र्स को। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, आप जैसे ही इस आइकन पर क्लिक करते हैं टॉप 10 आइकन पर वैसे ही यहाँ टॉप 10 की कैटेगरीज़ में इनमें से आप कोई सा भी वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐप की ओर। नेक्स्ट वॉलपेपर ऐप जो कि आज के लिस्ट में है वो है HD वॉलपेपर्स। ये काफ़ी अच्छी वॉलपेपर ऐप है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ HD वॉलपेपर्स मिलते हैं, इवन इसमें काफ़ी सारी कूल कैटेगरीज भी आपको मिल जाती हैं, साथ में आपको काफ़ी ज़्यादा एड्स भी मिल जाते हैं। तो आप इनमें से किसी भी कैटेगरी पर क्लिक कर दीजिए और आपको काफ़ी अच्छे HD वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। जैसे ही मैं किसी भी एक वॉलपेपर पर क्लिक करता हूँ मुझे तीन ऑप्शंस मिलते हैं, या तो मैं उसे सेट कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ या मैं वापस गैलरी में जा सकता हूँ। तो फिलहाल मैं बैक बटन प्रेस कर देता हूँ और वापस अपनी कैटेगरी पर चले जाता हूँ। साथ में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर एक न्यू का फीचर भी मिल जाता है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज़ की आपको वॉलपेपर्स मिल जाएंगे और जो कि बिल्कुल नए हैं। साथ में यहाँ पर पॉपुलर वॉलपेपर्स भी मिल जा सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐप की ओर। लास्ट ऐप जो कि आज के लिस्ट में है यह है सुपर हीरो वॉलपेपर्स। ये बहुत ही अच्छी ऐप है, इसमें आपको अलग अलग सुपर हीरोज़ के वॉलपेपर्स मिल जाएंगे HD में, लेकिन आप नहीं हैं रैंडमली आपको यहाँ पर सुपर हीरोज़ के वॉलपेपर्स मिल जाएंगे जिनमें जैसे ही आप में क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दो से तीन बटन्स मिल जाते हैं जो कि हैं सेट के और फॉरवर्ड और बैकवर्ड। आप इन्हें उस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे ही आप सेट बटन प्रेस करेंगे ये वॉलपेपर सेट हो जाएगा और यकीन मानिए गाइस ये काफ़ी अच्छे लगते हैं वॉलपेपर सेट होने के बाद। तो ये काफ़ी सिंपल ऐप है और इसमें मीन्स कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी अच्छे HD वॉलपेपर्स मिल जाते हैं जो कि इस ऐप को यूनिक बना। वीडियो में इतना ही, जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।